नमस्कार दोस्त। तो भाई, अगर आपने भी अपना अकाउंट SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ओपन करवा रखा है तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही किस तरीके से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। जी हाँ, 1 मिनट भी आपको नहीं लेगा, आप 1 से 2 सेकेंड में अपना बैंक बैलेंस अपने मोबाइल से ही घर बैठे चेक कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल भी आ रहा होगा कि भाई काफी सारे ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, जैसे में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, योनो SBI, इन सारे तरीकों से, इन सारे माध्यम से हम अपना बैंक बैलेंस बिल्कुल ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो भाई, ये आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्त आज की इस वीडियो में मैं इन सारे माध्यम के बारे में नहीं बताने वाला। ये वीडियो कुछ अलग हटके होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, काफी सारे अभी भी ऐसे यूजर्स हैं जिनको पेटीएम क्या होता है, गूगल पे किसे कहते हैं, फोन पे कैसे यूज किया जाता है, या फिर योनो SBI कैसे यूज किया जाता है, योनो SBI क्या होता है, ये अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा है। मतलब कि उनको इन सभी चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, और कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो काफी कम पढ़े लिखे हैं, तो भाई उनको तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है, क्योंकि उनको SBI, योनो या फिर गूगल पे, फोन पे का नाम तक भी उन्होंने नहीं सुन रखा होगा, ठीक है। और उस कंडीशन में होता क्या है, जब भी उनको बैलेंस चेक करना होता है, कितना रुपया हमारे खाते में है, कितना रुपया आया है, ये सारा कुछ चेक करना होता है, तो उनको अपने मेन ब्रांच में या फिर अपने गाँव के ब्रांच में जाना पड़ता है, और लंबी लंबी कतारें लगनी पड़ती हैं, लाइनें लगनी पड़ती हैं, और सुबह जाते हैं, शाम को लौट करके आते हैं, शायद काम भी नहीं हो पाता, या फिर काम भी हो जाता है, अपटूडेट भी करवा लेते हैं, तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो भाई, अगर आप लोग भी उन सारे कैटेगरी में से आते हो जिनको गूगल पे के बारे में मालूम नहीं है, फोन पे के बारे में मालूम नहीं है, या फिर किसी भी पेमेंट मेथड के बारे में मालूम नहीं है ना, तो आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप आसानी पूर्वक, जी हाँ बिल्कुल ही आसानी पूर्वक, घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आप लोग वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे, यहाँ पर आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक दिख जाएगा, आप लोग फटाफट इस लिंक पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने सुमित भारती इंडियन यूट्यूबर के नाम से एक यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको यूट्यूब के संबंधित काफी सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आप लोग एक यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हो तो प्लीज यहाँ पर आकर के मेरा सपोर्ट करे, मेरा साथ दे यार, ताकि मैं बहुत जल्द ग्रो कर सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट लाता रहूं। सो प्लीज भाई, सपोर्ट मी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। दोस्त आज के इस वीडियो में मैं जो तरीका बताऊंगा वो तरीका बिल्कुल लीगल है, और इस तरीके की हेल्प से आप आसानी पूर्वक घर बैठे अपने मोबाइल से ही बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवाना होगा। जी हाँ, जैसे नेट बैंकिंग होता है ना, आप लोग नेट बैंकिंग के बारे में सुन रखे होंगे, उसी तरीके से आपको अपना मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवाना होगा। अब मोबाइल बैंकिंग कैसे एक्टिवेट किया जाता है वो प्रोसेस भी मैं आज इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो भाई, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए आपको एक SMS करना होगा अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यानी कि आपने अकाउंट में जो भी मोबाइल नंबर लिंक करवा रखा है, ऐड करवा रखा है, उसी नंबर से आपको एक SMS करना होगा। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में SMS वाला ऐप ओपन कर लीजिए। SMS वाला ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर टाइप करना होगा, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नंबर क्या टाइप करना है, 922, और उसके बाद 34, उसके बाद 8888, और फिर से 1 8, यानी कि 5 बार आपको 8 डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है, नीचे में जो मैसेज टाइप करना है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी मैं आपको बताऊँगा वो कैपिटल में डालना है, REG, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो अकाउंट नंबर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो अकाउंट नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट डाल करके सेंड करके दिखा देता हूँ। देखिए, अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद अब आपको सिंपली सेंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये सेंड हो जाएगा।
उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से यानी कि आपकी सिम से 1.5 रुपये का चार्ज जो है वो काट लिया जाएगा। अगर आप जियो वगैरह का यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड नहीं करवा करके रखे हो तो वहां पर आपको 1.5 रुपये के चार्ज कट जाएंगे आपके मोबाइल नंबर से, आपके सिम से। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कुछ देर के बाद। जैसे ही मैसेज आएगा तो वहां पर लिखा हुआ रहेगा सक्सेसफुल, आपका मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि रजिस्टर्ड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होता है मैसेज आने के बाद मैं क्लियर कर देता हूँ। तो भाई जैसे ही आप लोग अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मैसेज करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा जिसमें ये लिखा रहेगा, डियर SBI कस्टमर, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर SBI क्विक फैसिलिटी। यानी कि अब आप लोग मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवा चुके हो, क्योंकि आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी आ गया है कि अब आपका मोबाइल पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गया है इस फैसिलिटी के लिए। ठीक है, इसके लिए आपको 1.5 रुपये चार्ज कटेंगे, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। अब आपको एक छोटी सी प्रोसेस और फॉलो करनी है, आपको एक नंबर डायल करना है और उस नंबर पर सिर्फ एक मिस कॉल मारना है। जी हाँ, सिर्फ एक मिस कॉल देना है, और जैसे ही मिस कॉल करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके अकाउंट से लिंक किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर आपके बैंक अकाउंट का डिटेल आ जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपये हैं वो आपको दिख जाएगा। आपको कैसे करना है मैं आपको सारा प्रोसेस बता देता हूँ। आप लोग फोन के डायलर में चले आए और यहाँ पर टाइप करें 9223 7, उसके बाद 6666666, यानी कि 5 बार आपको 6 टाइप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉल कर देना है। आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा क्वालिटी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने जो नंबर आपको बताया वो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। आप लोग उसी नंबर को डायल करना और यहाँ पर कॉल कर देना। कॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा और आप इसे कट कर देना। कट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा, इस मैसेज पर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 9/10/2020 7:58 और अवेलेबल बैलेंस इन योर अकाउंट इतना। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर आ चुका है, मेरे अकाउंट का नंबर और बैलेंस भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है दोस्त, तो एक मिस कॉल करने से आप अपना बैलेंस बिल्कुल ही आसानी से चेक कर सकते हैं। सिर्फ आपको मिस कॉल करना है। मिस कॉल करने के बाद आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस इतना है, और आज का डेट भी और टाइम भी दिखा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ही आसानी से अपने बैंक का बैलेंस सिर्फ एक मिस कॉल देने से चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्त, मैं आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई यूट्यूब वीडियो पॉज को लेकर के, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपकी वीडियो पॉज होकर के चलती है, रुक रुक करके चलती है YouTube पर, तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आने वाली है, उसमें कुछ यूनिक चीजें बताई जाएंगी जिसके जरिए आपका वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। इसलिए उस वीडियो को भी आप लोग कंप्लीट देखना, और इस वीडियो को तो देखना ही देखना क्योंकि ये वीडियो आपको हमेशा काम आएगी। तो आज बस इतना ही। तो आई होप दोस्त आज की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिली होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो भाई क्या सोच रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना मत भूलना। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके प्लीज शेयर जरूर कर देना, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट मिल सके। तो फिर मिलता हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।